यह उल्लू ऐप की वेब सीरीज गेम्स ऑफ कर्मा का अगला पार्ट कचरा की कहानी है, जिसमें रजत और स्नेहा दिखाए जाते हैं, जिनकी शादी को आज 10 साल हो गए हैं। आज उनकी सालगिरह है और आज भी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। रजत आज सालगिरह पर स्नेहा के लिए गिफ्ट लेकर आया है कि तभी डोरबेल बजती है। रजत दरवाजा खोलता है तो वहां पर उन दोनों के कुछ पुराने दोस्त आए होते हैं। सभी दोस्त दोनों को सालगिरह की बधाइयां देते हैं और अनुज, जो कि रजत और स्नेहा दोनों का क्लोज फ्रेंड है, दौड़कर स्नेहा को गोद में उठा लेता है। रजत को यह देखकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह कुछ बोल भी नहीं पाता। जिसके बाद सभी मिलकर केक काटते हैं और स्नेहा अपने हाथ से अनुज को केक खिलाती है। सभी को ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन रजत उन दोनों की इन हरकतों को बड़ी ही पैनी नजरों से देख रहा होता है। अनुज उन दोनों के रिश्तों की काफी तारीफें करता है, जिसके बाद सभी डांस करने लगते हैं और अनुज स्नेहा के साथ डांस करता है, लेकिन रजत को डांस नहीं आता तो वह बैठकर ड्रिंक करने लगता है और उन दोनों को डांस करते हुए देखने लगता है। लेकिन इधर स्नेहा और अनुज डांस करते करते एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और यह सब कुछ रजत सहन नहीं कर पाता। वह अपने गिलास को दीवार पर फेंक कर मारता है और अनुज और बाकी सभी दोस्तों को धक्का मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। यह सब देखकर स्नेहा काफी परेशान हो जाती है। सभी के जाने के बाद वह दरवाजा बंद करके रजत से जाकर पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो रजत उसे बोलता है कि तो तुम क्या कर रही थी, तुम्हें छूने का, प्यार करने का और गोद में उठाने का हक सिर्फ मुझे है, और मेरे अलावा अगर कोई भी तुम्हें छूता है तो मेरा खून खोलता है, मैं सहन नहीं कर पाता। इतना प्यार करते हो मुझे, शादी के 10 साल बाद भी तुम्हारा प्यार उतना ही है जितना कि शादी से पहले था। यह बोलकर स्नेहा रजत को गले लगा लेती है, जिसके बाद दोनों की जिंदगी ऐसे ही हंसी खुशी बीतती है और उनका बच्चा भी अब बड़ा हो जाता है और रजत भी ज्यादातर ऑफिस के काम के चक्कर में घर से बाहर रहता है और अब भी वह 15 दिन के लिए ऑफिस टूर पर शिमला जा रहा है। वह जल्दी से स्नेहा को बाय बोलकर शिमला के लिए निकल जाता है और शाम को जल्दी जल्दी में स्नेहा को फोन करके बताता है कि वह शिमला पहुंच चुका है, तुम अपना और बच्चे का ध्यान रखना, और नेटवर्क इशू का बहाना देकर फोन को काट देता है। जिसके बाद एक दिन बीतता है, दो दिन बीतते हैं, तीन दिन बीतते हैं, लेकिन रजत का फोन नहीं आता। इस तरह करते करते रजत को गए हुए आज 15 दिन हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान उसका कोई फोन नहीं आता। और उसी रात को रजत घर पर आता है, वह चुपचाप स्नेहा के पास जाता है। स्नेहा उसे देखकर काफी खुश होती है और दोनों की मटर गस्ती शुरू हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन रजत जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में जाते समय उसे ध्यान आता है कि उसका फोन तो घर पर ही छूट गया। वह जल्दी से गाड़ी घुमाता है और घर पहुंच जाता है। उधर स्नेहा को रजत का फोन दिखाई देता है, वह उसे उठाकर चेक करने लगती है कि उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वह चौंक जाती है। रजत घर में घुसता है तो देखता है कि स्नेहा हाथ में फोन लिए चुपचाप बैठी हुई है। वह रजत को उसकी और उसके बॉस के साथ की कुछ बेढंगी पिक्चर्स और वीडियो दिखाती है। रजत बहाने बनाकर स्नेहा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्नेहा उसकी एक नहीं सुनती। तभी गेट पर रामू कूड़े वाला आता है और स्नेहा मैम से कूड़ा देने को कहता है। स्नेहा रामू को देखती है और रजत से कहती है कि देख अब मैं कैसे तेरी जिंदगी को कचरा करती हूँ, और रजत को धक्का देकर रामू को खींचते हुए अंदर कमरे में लेकर जाती है और गेट बंद कर देती है, और रामू को बेड पर धक्का देकर खुद भी कूद पड़ती है। और इधर उन दोनों की आवाजें सुनकर रजत दरवाजा खटखटाता है और रोता रहता है, लेकिन वो दोनों अपने मजे में लगे रहते हैं और स्नेहा रोती रहती है। जिसके कुछ देर बाद रामू दरवाजा खोलता है और अपने कपड़े समेटते हुए वहां से भागता पाता है, और इधर रजत स्नेहा को एक चादर में लिपटे हुए बैठी देखता है, जिसके कपड़े वहीं पर बिखरे पड़े थे।
अपनी गलती की इतनी बड़ी सजा पाकर रजत वहीं बैठकर रोने लगता है और इस वेब सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है। यह वेब सीरीज उल्लू ऐप पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। और इस वेब सीरीज के संबंध में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।